अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है तातेश्वर महादेव मंदिर, और ये है हमारी बेवहारी से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर, और हमारा गांव जहाँ पर रहते हैं हथवार वहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है, और एक प्रसिद्ध स्थान है। इसकी खासियत यह है कि एक तरह का जूलॉजिकल हॉटस्पॉट है यहाँ पर, और ज़मीन से यहाँ पर 12 महीने एक गर्म पानी निकलता है, एक वोल्केनिक एक्टिविटी से या किसी भी कारण से निकलता हो तो इस जगह में जगह बहुत मान्यता है, और ऐसा भी बिलीव करते हैं कि इस पानी में स्नान करने से बहुत सारे चर्म रोगों को भी मुक्ति यहाँ से मिलती है। तो उसी उपलक्ष्य में हर मकर संक्रांति को यहाँ पर एक अच्छा मेला लगता है। तो ये मंदिर है और मैं कोई से रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पे कुंड है, पूजन भी हो रहा है। ये बेसिकली यहाँ पर 3 कुंड हैं अगर हम देखें एक तरीके से, तो अभी भी भाप उड़ता हुआ दिखेगा। तो ये कुंड है गर्म पानी के, एक दो, मतलब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये पहला जो कुंड है इसमें लोग जो साबुन वगैरह लगाते हैं वो इसमें कर लेते हैं, आउटर है, बट जो दो इनर कुंड हैं उनमें वो साबुन वगैरह लगाओ अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर लोग अभी क्या है मेले के टाइम पे काफ़ी भीड़ रहता है तो लोग बाल्टी लेके नहाते हैं, और देखिए अभी मैं कुबेर से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर देखो कितना सारा अभी भी आपको फील होगा कि जो भाप उड़ता हुआ समझ में आएगा, क्योंकि वो काफ़ी गर्म पानी रहता है ये, और इसीलिए इसको ताता या तातेश्वर महादेव बोलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे जो मेले में लोग दर्शन करने आ रहे हैं तो भी पूजा पाठ भी कर रहे हैं। तो कुबेर थोड़ा सा दिखाओ चीज़ें, क्या हम देख पा रहे हैं कि लोग पूजा चल रही है और ये महादेव हैं, और साथ ही में ये है वो मुख्य स्रोत जहाँ से पानी निकलता है ज़मीन से, और यही पानी जो है आगे 10 इन कुंडों में जाके भरता है। ये वो कुंड है जो आप देख पा रहे हैं, और बहुत ही जूलॉजिकल हॉटस्पॉट है ये, आप जैसे देखिए आपको समझ में आएगा, काफ़ी गर्म पानी अपने आप में एक बड़ी अद्भुत बात है। तो हम लोग भी कई बार यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। चलिए फिर आपको आगे ले चलते हैं मेला में। ये हमारे जो बेवहारी पर क्षेत्र में यहाँ पर एक ताता है, तातेश्वर महादेव मंदिर, तो जहाँ पर हमेशा गर्म पानी के कुंड है, तो हर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे यहाँ पर मेला लगता है। क्योंकि ये जो इलाका है एक ट्राइबल बाहुल इलाका है ज़्यादातर यहाँ पर, और बैगा और अन्य ट्राइब के लोग यहाँ पर बड़ी मात्रा में रहते हैं, तो वो लोग अपने इस कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, हमारी परंपरा रही है मेलों की। तो आप देख मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि जो झूले हैं ये करीब अभी भी यहाँ पर काफ़ी आधुनिक झूले, बड़े बड़े झूले आ चुके हैं, बट अभी जो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 4 डोली वाले मैनुअली हाथ से ऑपरेटेड यहाँ पे झूले हैं, इसको बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, आइए आगे चलते हैं थोड़ा देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारी मुझे जो कि गन्ने की दुकानें भी दिखाई दे रही हैं, और आइए तो अभी जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ट्राइब होती है, तो ट्राइब बेसिकली उनको गुदना गुदना गुदाना या टैटू कराना बहुत पसंद होता है। तो एक मेले में यहाँ पर एक गुदना बनाने वाली भी एक दुकान है, तो यहाँ ये भाई साहब है जो पुराने वो टेक्निक से, जो ओल्ड टेक्निक है, इंक है और एक बैटरी के माध्यम से गुदना बना रहे हैं। तो कुबेर में थोड़ा सा इसको पास लेकर और दिखाओ कि कैसे वो गुदना बना रहे हैं, क्या क्या उपकरण होते हैं इस बारे में बताओ थोड़ा सा। स्याही सब रहती है, ये स्याही है और ये वो मशीन है। तो मशीन ये कैसी चलती है, क्या इसके मैकेनिज्म क्या है, लाइट से चलती है बैटरी से चलती है। तो अभी तक आधुनिक मशीनें नहीं ली, वही पुराना टेक्निक चला रहे हैं। अच्छा, और इसका जे जो मशीन है मतलब कितना दिन में लोग अभी गुदना गुदा रहे हैं, अभी कम हो गया गुदना गुदाना, क्या स्टेटस है? नहीं, बढ़ रहा है और अभी और बढ़ रहा है। और बढ़ रहा है। तो एक दिन में कितना गुदना गुदते हो? अरे हो गया कम से कम 50 लोग। और कितना एक मिनिमम प्राइस होता है गुदने का? हो गया 10 रुपए से लेकर के 5 रुपए, 10 रुपए। अच्छा, ऐसे गुदना गुदते, जैसे ये जो टैटू है ना, क्या क्या है आपने थोड़ा दिखाओ, ये सारे डिजाइन है। तो ये देखिए यहाँ पर बहुत तरह के डिज़ाइन हैं, हार्ट बीट हैं, ओम है, टैटू हैं, नाम के गुदने हैं, तो एक टैटू आर्ट है यहाँ पर। कहाँ है, चलो और आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आ जाओ। यहाँ पर हमें एक और व्यक्ति मिले हैं तो अभी गुदना गूद रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कुबेर गुदना रिकॉर्ड पर। तो यहाँ पर बहुत तरह के गुब्बारे भी लोग बेच रहे हैं और बहुत क्रेज़ है बच्चों में,
ठीक है। कितने साल से गुब्बारे बेच रहे हो? हैं? ये तो 3 साल से। 3 साल से मेला लग के बंद था। हाँ हाँ, जब लग गया था तो फिर बंद कर दिए। और अभी कितने दिन में कितना बिक्री हो जाता है? नमस्ते नमस्ते। ये कुछ हमारे छात्राएं मिल गई हैं, मेला देखने आई हैं। कौन से स्कूल से हो? पपड़ेरी से। बढ़िया है, मेला देखा? क्या क्या खरीदा? आएंगे आएंगे, आज भी कार्यक्रम था ना, मैं गया हुआ था गोदावल, तो अभी वो सब निपटा के फिर आएंगे, फुर्सत से आएंगे। तो और कुछ किताब विताब पढ़ा तुम लोगों ने? पढ़ा है ना, मेला एंजॉय किया? क्या क्या खरीदा? घूमने आए हो हैं? और वो वीडियो बनाए थे वो देखा तुम लोगों ने? हाँ, वो अनुभूति वाला वीडियो बनाया देखा था? चलो चलो बढ़िया, चलो घूमो घूमो, मेला आएगा, कैंप बनास में आएगा, ठीक है, चलो कैंप बनास। तो यहाँ पर हमें देखिए समोसे और चाट की दुकान भी बनी हुई है। राधे 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 राधे, एकदम बहुत सारा उत्साह है लोगों में, एकदम मेले का अद्भुत। अभी कितना बिक्री हो रहा है? महादेव जो भोलेनाथ दे रहा सब कुछ दे रहा, वो अपना दे रहा, हमारा नहीं दे रहा। तो एकदम भोलेनाथ सब दे रहा है, भोलेनाथ जो कुछ दे रहा सब आनंद है, एकदम महादेव मेला का उत्साह ही अजब है। हर हर महादेव। चलिए, और यहाँ पर और भी कुछ फुलके की दुकानें हैं, लोग आपस में मिल रहे हैं, और जो घरेलू जो सामान मेकअप के सामान हैं वो भी यहाँ पर मिल रहे हैं, जूते चप्पल की दुकान है, तो एक अलग ही माहौल है। क्योंकि मैं यहाँ के स्कूलों में जाता रहता हूँ, बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो कई सारे बच्चे भी मुझे यहाँ मिले, तो बड़े उत्साह में वो लोग आनंद ले रहे हैं। तो चलिए आपको और दिखाते हैं, जूते चप्पल से लेकर सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं, बच्चों के लिए खिलौने, और आजकल जेसीबी बड़ी ट्रेंड में है, खिलौनों में बड़ा क्रेज है। तो एक अलग ही उत्साह है यहाँ पे, क्या है कि जैसे बड़े मेले होते हैं, ये लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं कि मेला कब आएगा, और वो लोग घूमने जाएं, कुछ लोग तो केवल घूमने के लिए आते हैं चीज़ें, और बड़े ही आनंद में रहते हैं। क्रॉकरी और सारे आइटम भी यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ट्राइब लोग जो हैं इसका बहुत वेट करते हैं, और आपस में एक समय एक मिलने का भी समय होता है, नए इंट्रैक्शन बनाने का भी। कई बार ऐसे भी होता है कि कई सारे नए रिश्ते भी इस मेलों में जुड़ते हैं, तो वो एक तरह का प्यार तैयार होकर आते हैं सारे ट्राइब। तो ये है मेला, जूता चप्पल सब कुछ ही यहाँ पर उपलब्ध है, और ये है अपना किचन आइटम भी यहाँ पर मिल रहे हैं। तो एक अद्भुत मेला। क्या खरीदा मेले से? कुछ खरीदा? हर जगह कोई ना कोई सामग्री यहाँ पर बिक रही है, और लोग बड़े उत्साह से शॉपिंग कर रहे हैं, चाहे आइटम्स हैं, मान लीजिए अंगूठियाँ हैं, नेकलेस है, चरौती है, रुद्राक्ष भी है यहाँ पे, और लोग उत्साह के साथ। तो यहीं पर पास ही में क्या है कि एक मेला में बड़े उत्साह से लोग शॉपिंग करते हुए अपने ला, चूँकि इवनिंग हो गई है तो लोग घर की तरफ लौट रहे हैं, बच्चों में विशेष कर खास कर उत्साह है। खिलौने, और चलिए तो हम भी फिर वापस की तरफ मुड़ते हैं। रोजमर्रा के आइटम, तो एक समय जो होता था जब बहुत सारे लकड़ी के खिलौने भी मिलते थे, बट लकड़ी के खिलौनों की अनुपलब्धता या उसके कारण, वैसे अभी हमारे लकड़ी के खिलौनों या इंडियन खिलौनों का उद्योग धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अब ये यहाँ पर अभी प्लास्टिक खिलौनों का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है। जैसे बालक देखिए अपना जैसे भी लेके बहुत प्रसन्न है, गुनगुना लेके बजाओ बजाओ और लो बढ़ते हैं आगे।
और ये है आज भी गांव के मेलों की परंपरा बनी हुई है, बहुत बड़ी मात्रा में पूरे ट्राइब लोग यहां पे इकट्ठे होते हैं एकदम झूलों का अद्भुत आनंद लेते हुए। ये देखिए तो जाकर एक तरह शहरों में बड़े बड़े झूलों ने इनकी जगह ले ली है, बट यहाँ पे अभी भी इन छोटे झूलों का मैनुअली चलने वालों का एक क्रेज है, बहुत ही उत्साह है। आप भीड़ देख रहे हैं एकदम बहुत ही उत्साह है, लोग साल भर इंतजार करते हैं कि इस तरफ मेला आएगा तो उसमें वो लोग झूलेंगे। तो आप सुनिए तो पूरा लकड़ी से बने हुए मैनुअली झूले, हाँ तो अभी भी उसकी परंपरा कायम है और बच्चे सब लोग तैयार होके आए हुए। कहाँ से आई हो? यहाँ पे और बालक बालिकाएं मिलते हुए अलग ही उत्साह है। यहाँ देखिए चले चले एक उत्साह से भरे हुए बालक बालिकाएं आइसक्रीम, और यहाँ पर है गन्ने की दुकानें बहुत सारी। हाँ हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। ये देखिए तो ऐसे ही अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी जो लोकल, जैसे प्याज लगाने का सीज़न हो रहा है तो प्याज के बेल मिल रहे हैं, फिर आपका यहाँ पर कुछ गोभी है, साथ ही साथ यहाँ पर लोग साज सज्जा के लिए हमारे नाई भाई भी हैं, तो यहाँ पर बढ़िया मेले में अपनी दुकान का आनंद लेते हुए खाइए खाइए मलते हुए ग्राहकों के। कितने लोगों को बाल काट रहे हो दिन में? अच्छा चलो ठीक है। और यहाँ पर ये भाई जलेबी मसकते हुए, मज़ा आ रहा है जलेबी खा के हैं? अरे शर्मा गया जलेबी देख के। और यहाँ पर लोग सब्जियों की भी खरीदारी करते हुए दिख रहा है। और ये है क्योंकि मकर संक्रांति का टाइम है तो यहाँ पर लड्डुओं और गन्नों का बहुत क्रेज़ है, तो पूरा यहाँ से लाइन से दुकानें हैं, किसान लगातार वेट करते हैं। दिन में कितने गन्ने बेच लेते हो? हैं? गन्ने सर नहीं ले आए थे, दो तीन बोझ ले आ रहे हैं, कितना बचा है? अच्छा पूरा बिक गया? जी हाँ थोड़ा सा और बचा है। और क्या हिसाब बेचते हैं? हो गए 20 रुपया 10 रुपया जाऊँ जैसा गन्ना। अच्छा अच्छा जी, जी। कितना खेत में लगाए हैं? ज्यादा नहीं लगाए, थोड़ा सा लगाए हैं खाने के लिए। मेले के लिए लगाए हैं? जी हाँ। चलो सही है, बढ़िया बढ़िया। कितने दिन अच्छा बिक्री हो रहा है मेला में? जी हाँ मिला है। चलिए बढ़िया बिक्री हो रहा है लोगों गन्ना का। देखिए यहाँ पर लगातार कहाँ से आए हैं गन्ना लेके? गोविंदगढ़। गोविंदगढ़ से? हाँ, तो बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। हाँ? दूर दूर से लाए हैं। हाँ? चलिए बहुत बढ़िया, तो मैं भी एक गन्ना ले लेता हूँ। कैसे गन्ना दिया? बढ़िया वाला मोटे मोटे गन्ना निकालो हमारे लिए। हैं मोटे मोटे? हाँ है ना। कैसा दिया? 40 रुपये के एक ठो जोड़ा। जोड़ा तो निकालो दो ठो बड़े बड़े मोटे मोटे, तो अपने लिए भी हम गन्ने की शॉपिंग करते हैं। हाँ मीठा है ना? हाँ। तो पूरा परिवार सब लोग उत्सव में लगे हुए हैं। कितना गन्ना लाए थे? अरे 200। 200 लाए थे पूरे बिकने वाले? कितने दिनों के? आज ही लगाए हो कि कल भी आए थे? कल से। कल से लगाए हैं और 200 गन्ने लेके आए। 200 लाए थे? घर में रहा। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, बिक गए तो हम भी एक दो गन्ने खरीदते हैं आज दिन में चूसेंगे। और यहाँ पर अभी और उत्साह काट के बांध के ले जाएंगे। बांध भी देना भैया, बांध देना हमारा गन्ना, ठीक है ना? तो काट के बंधवाते हैं। ये देखिए यहाँ पर लोग बांध के गन्ना ले जा रहे हैं। तो चलिए हम अपने गन्ने लेके हम भी अपने घर की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो बाय बाय फ्रॉम इस
तातेश्वर महादेव के गन्नों के मेला से। चलिए मैं काटते हुए आपको दिखाता हूँ, काट रहे हैं। हाँ ये देखिए काट रहे हैं हमारे भाई, काटिए काटिए हैं, हाँ काटिए काटिए, और थोड़ा बड़े काटो, हाँ इतने बड़े काटो। ये देखिए एक हमारा और गन्ना कट गया अपना, दो तीन, हम भी पहेंगे। तो बढ़िया मोटे मोटे गन्ने। चलिए इन्हीं गन्नों के साथ आपको मीठी यादों के साथ मैं विदा लेता हूँ, नमस्कार।